हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे आलिन चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंगोनियम, ये देखिए काफ़ी अच्छा प्लांट है मेरा सिंगोनियम का, तो इसको कटिंग से आपको ग्रो करना बताऊंगी। इसका प्रोपोगेशन कैसे हमें करना है तो इसके बारे में बताऊंगी आपको। तो ये देखिए मेरा सिंगोनियम का प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा प्लांट है। और इसमें यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ये निकल रहा है। ये आप अगर इसमें कुछ लगा देंगे सपोर्ट के लिए तो ये ऊपर तक चढ़ जाता है उसके ऊपर। तो ये इस तरीके से इसमें रूट्स वगैरह निकल आई हैं। तो मैं इसको यहाँ से कटिंग करके इसका अलग दूसरे पॉट में इसको मैं लगाना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा आपको इस पर एक वीडियो बना के दिखा दूँ। तो यहाँ से हम इसे कटिंग करेंगे और बहुत ही आसानी से इजिली ग्रो हो जाता है। और इसमें देख रहे हैं आप जैसे ये रूट्स हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से जल्दी लग जाएगा हमारा ये प्लांट। तो चलिए हम आपको इसको कैसे कटिंग करना है, कैसे क्या करके हम डालेंगे दिखा देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए इसको कटिंग हम कहाँ से लेंगे, तो मैं इसको यहाँ से कट करने वाली हूँ, इस जगह से, यहाँ से ही इसकी एक कटिंग लूँगी। तो इसको मैं यहाँ से ही कट करूँगी ताकि ये आसानी से रूट के साथ इसके लग जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ से किसी सीजर की हेल्प से इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा प्लांट निकल आया है, इसमें चार लीव्स हैं और एक ये देखिए यहाँ से इसकी न्यू ग्रोथ हो ही रही है। तो अब देखिए हमारा प्लांट कैसा हो गया है। अभी इसमें देखिए एक यहाँ पे है, यहाँ है और एक यहाँ। मैं सोच रही थी इसको निकालने के लिए, लेकिन ये मेरा लंबा कटिंग हो जा रहा था तो इसलिए मैं इसको निकाल कर आया। और यहाँ से ब्रांचेस भी अलग अलग अभी कई सारे निकल जाएंगे तो इसलिए मैं उसको निकाली। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारी कटिंग्स मैंने निकाल ली हुई है और इसमें देखिए छोटे छोटे रूट्स भी हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगा। और इसमें भी तीन लीव्स हैं और बीच में यहाँ से ग्रोथ भी हो रहा है। और ये देखिए मैंने इसके लिए पॉटिंग मिक्स क्या लिया हुआ है, ये है सैंड। इसमें ये देखिए इस तरीके सैंड है और ये हमारी मिट्टी है, ये देखिए। तो इस तरीके से इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ आपकी इसको इसके लिए सॉइल मिक्स आपको वेल ड्रेन बनानी है ताकि इसमें पानी ना रुके, तो आपको उस तरीके से इसकी सॉइल मिक्स तैयार करना है। आपको सैंड जरूर लेना है। और ये एक इंडोर के लिए बहुत सी बेस्ट प्लांट है, काफ़ी इंडोर में अच्छे से ग्रोथ करता है, इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। आप इंडोर में लगा देंगे तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है। और इसको लाइट की बात करें तो लाइट इसको ज़्यादा ब्राइट नहीं चाहिए होता है, इसको आप ब्राइट लाइट में रख देंगे इंडोर में तो अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसको ये सनलाइट में नहीं रखिएगा इसको, नहीं तो ये बर्न हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हमारा ये जो ड्रेनिंग होल है, ये देखिए इसमें ड्रेनिंग होल बने हुए हैं। तो इसको हम इस तरीके से स्टोन के हेल्प से इसको इस तरीके से कवर कर देंगे ताकि इसमें मिट्टी इसको ढक ना पाए। और हम इसमें सॉइल भर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम कोकोपीट भी डाल देंगे। कोकोपीट ऑप्शनल है, आप डालिए या ना डालिए, स्किप भी कर सकते हैं आप। बट सॉइल आप जो है बिल ड्रेन और रेत तो आप ले ही लीजिएगा, नहीं तो आपका ये ड्रेनिंग इसमें नहीं बनेगा तो आपके प्लांट खराब हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने मिट्टी ले ली है और अब इसमें हम इस प्लांट को डाल देंगे। ये देखिए तो ये देखिए मैंने इसमें इस प्लांट को डाल दिया है। थोड़ी थोड़ी सी इसकी मिट्टी को हम इस तरीके से इसको दबा देंगे ताकि ये प्लांट इसमें टाइटली पकड़ ले मिट्टी को इस तरीके से। और आप इसको इंडोर रखिए या आउटडोर, हर जगह अच्छे से ग्रोथ होगा। अब वाटरिंग की बात करें तो आपको इसको रेगुलर वाटरिंग देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें मॉइस्चर रहे। और जब भी आप वाटरिंग करिए तो इसकी जो मिट्टी है वो एक दो इंच तक इसमें ड्राई हो जाए आप तभी इसको वाटरिंग करिए, नहीं तो ये प्लांट खराब हो जाएंगे। इसको ज़्यादा वाटरिंग नहीं चाहिए होता है। और मैं इसको थोड़ा सा इसके सॉइल को ऊपर से कोकोपीट से कवर कर दूंगी क्योंकि मैं इंडोर ले जाऊंगी, तो इंडोर में मैं ऊपर तरफ कोकोपीट डालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये प्लांट लग गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा प्लांट हुआ है, इसमें तीन लीव्स हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। तो ये देखिए इसमें हम वाटरिंग करेंगे इस तरीके से, काफ़ी अच्छे से इसमें वाटरिंग कर देंगे।
आप कभी भी कोई प्लांट लगाते हैं तो उसको एक बार खूब अच्छे से वाटरिंग करिए, ताकि मिट्टी से जो ड्रेनिंग होल है उससे पानी आउट हो जाए, तो प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ, अब इसमें काफ़ी एक दो हफ्ते तक पानी देने की इसको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। सो फ्रेंड्स, ये प्लांट हमारा देखिए लग गया है और खूबसूरत भी लग रहा है। अगर आपके पास इस तरीके से सिंगोनियम का प्लांट है तो आप उसको प्रोपोगेट करके अलग कर सकते हो, आप एक से कई प्लांट बना सकते हैं। और ये मेरा मैंने बना दिया है, अब इसमें इसकी ग्रोथ होगा तो आपको हम इसका रिव्यू देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो, और हाँ फ्रेंड्स, इसको अभी आप इंडोर डायरेक्ट, मगर इंडोर के लिए रखे हैं तो आप डायरेक्ट इसे इंडोर मत ले जाइएगा, अभी दो चार दिन ऐसे इस तरीके जैसे यहाँ पे है तो इस तरीके से आप इसको ब्राइट लाइट में रखिए, ताकि कुछ दिन ये यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छे से ले ले और थोड़ा ग्रोथ भी हो जाए, तब इसको इंडोर आप करिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।